तो आज की रेसिपी के लिए हमने आधा कटोरी चावल और आधा कटोरी चना दाल को धो के 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद हमने इसको गाढ़ा पीस के 2 घंटे के लिए रख दिया था। तो काफी फूल चुका है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और साथ में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। थोड़ा सा चुटकी इसमें हम डालेंगे हींग फ्लेवर के लिए। 1 चुटकी इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, क्योंकि इसमें हमने चावल को पीसा है। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सरसों के तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। छोटी छोटी सी हम पकौड़ी मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। इन पकौड़ी को हम दूसरी साइड पलट देंगे। काफी अच्छी और फूली फूली सी ये बन के तैयार हो रही है। तो काफी क्रिस्पी और फूली फूली सी चना दाल की पकौड़ी बनके तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हम बाकी की सारी बना के तैयार कर लेंगे। तो हमने एक्स्ट्रा तेल निकाल लिया। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, इसी के साथ में 1 बड़ा कटा हुआ प्याज डालेंगे और थोड़ी सी इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च और साथ में 1 चम्मच लहसुन की पेस्ट, 1 चम्मच इसमें जाएगा हल्दी पाउडर और प्याज को हम सुनहरा होने तक पका लेंगे। तो प्याज अच्छी तरह से भून चुका है। इसमें हम डालेंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर, इसी के साथ में लाल मिर्च का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और टमाटर को हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर देंगे और इसी के साथ में इसमें हम डाल देंगे करीब 2 कप पानी डाल देंगे और हाई फ्लेम पर इसको हम करीब 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तो ग्रेवी में उबाल आना शुरू हो चुका है। जो हमने पकौड़ी बना के रखी है वो हम इसी में डाल देंगे और इसी तरह से इसको अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको हम करीब 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। तो करीब 5 से 6 मिनट हो चुकी है। हमने कितने छोटे छोटे से कोफ्ता बनाए थे जो फूल के काफी बड़े हो चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। तो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत ही टेस्टी चटकारेदार और बिल्कुल नई तरह के चना दाल कोफ्ता करी बना के तैयार कर ली है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी।